ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं जो ऑड इवन रिटर्न्स हो रहा है 15 अप्रैल से, पॉल्यूशन का जो आंकड़ा है वो सिर्फ कागजों पर ही कम हो रहा है या वाकई जो गाड़ियां सड़कों पर कम उतरती हैं उससे पॉल्यूशन कम हुआ है। जनरल सिंह जी, जो तमाम बातें ब्रेक से पहले जगदीश मुखी जी ने कही थी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। लगभग आज से 16-17 साल पहले दिल्ली में एक मुहिम चली थी कि जितनी इंडस्ट्री है उसको उठा के दिल्ली के बाहर फेंक दिया जाए ताकि पॉल्यूशन कम हो सके। आपकी सरकार आई, आपने फैसले लिया कि सबसे पहले गाड़ियां कम कर दी जाएं। जैसा कि जगदीश मुखी जी कह रहे हैं कि वो सिर्फ 10% है पॉल्यूशन, उससे सिर्फ 10% गाड़ियों से होता है, लेकिन इंडस्ट्री को लेकर किस तरह की प्लानिंग है? और दूसरा सवाल, ताकि मैं चाहूंगा कि आप संक्षेप में जवाब दें, समय कम है, ट्रक से ज्यादा होता है जिस पर चेक नहीं किया गया। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लेकर इस बार जो आप दूसरा चरण ऑड इवन का लेकर आ रहे हैं, तैयारियां क्या है? चूंकि पिछली बार बसों को लेकर बड़ा था कि बसें कुछ जो रूट है उन पर भरकर जा रही है, मिल नहीं रही है लोगों को, और कुछ रूट खाली चल रहे हैं, तो किस तरह की व्यवस्था सार्वजनिक परिवहन को लेकर? व्यवस्था तरीके से हो रही है, आपको पता है 5,000 तो हमारे सिविल डिफेंस वाले भी इसमें लगेंगे और पिछली बार भी हुआ था। एक बात है कि बात पहले गई थी जी यमुना साफ नहीं है, वो वाटर पोल्यूशन है, हम अभी एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं उस पर भी हमें आना चाहिए, नॉइज पोल्यूशन भी है उस पर भी आना चाहिए, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उस पर भी आना चाहिए। अभी 70 साल का जो ये बीमारियां परेशानियां इकट्ठी गई हैं, अब हम कोशिश करेंगे कि एक साल में इसमें आए तो 5 साल में इसको दूर कर लें। दूसरा, मुझे अच्छा नहीं लगा नरेश जी ने कहा जी कार कंपनियों से सेटिंग होगी, ये पुराने टाइप की राजनीति अब चलने वाली नहीं है, ये पुराने टाइप की राजनीति। मुझे 70 साल पहले की बात कर रहे हैं, एक मिनट, अभी आप इन्होंने जिस समय देश का विभाजन हुआ अभी 5 लाख की आबादी थी, अभी जवाब आज 2 करोड़ की आबादी है, जवाब आज कंपैरिजन कर रहे हैं 70 साल पहले क्या था, अभी जवाब आपके समस्याएं आती है उसका समाधान जो वर्तमान सरकार है उसको देना है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको आप यदि 70 साल पहले की बात करेंगे, मैं फिर कहूंगा तो कहीं मैं फिर वही बात कह देता हूं जी। देखो तो पहली बात यह है कि ये समस्याएं आज की इकट्ठी नहीं हुई हैं, और हमारी सरकार इतनी जिम्मेदार है, जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे हमें मालूम था कि ये दिक्कतें हैं, हमें मालूम था ये व्हीकल्स हैं, हमें मालूम था कि ये झुग्गी वालों की प्रॉब्लम्स हैं, हमें मालूम था ये मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स हैं, हमें मालूम था ये बिजली के जो दाम बढ़े हुए प्रॉब्लम है, पानी के बिलों की प्रॉब्लम है, ये हमें मालूम था उसी वजह से। और हम इतने जिम्मेदार हैं कि हम ये नहीं कहेंगे कि पहले उसने नहीं किया, नहीं किया, लेकिन मैंने ये बताया कि धीरे ये सारे व्हीकल्स इकट्ठे नहीं हो गए, पोल्यूशन एक दिन में शुरू नहीं होगा, उसकी बात मैंने की। दूसरी बात जो है, आप कह रहे जी कार कंपनियों से सेटिंग हो गई, ये हो गई, हमारी तो इतना है जी, हमारा बजट में तो कोई लॉबी भी नहीं चलती, एक दिन एक दिन जवाब दिल्ली की जनता कह रही है, दिल्ली की जनता ने एक साल पहले बता दिया, और आने वाले बता दी दिल्ली की जनता वाली डॉक्टर नरेश कुमार जी। मैंने यूनिवर्सिटी का जो बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी का एक सेकंड आपने जवाब, साहब आप तो बात ना करो, ये कर लेते तो कोई बात नहीं, मैं क्यों नहीं बात करूं, मैं इसलिए कह रहा हूं सरकार से, मेरी सुने आप, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया, आपकी क्या स्थिति रही, ये आपके डॉक्टर नरेश कुमार जी, बिल्कुल वो ठीक है, वो मैं आपके ऊपर रोड दिया गया मुझे, जनरल सिंह जी एक सवाल और आपसे, आपका एक सवाल और आपसे, क्या स्थिति रही है बताएं आप, डॉक्टर नरेश कुमार जी आप जवाब दे लेंगे, नरेश जी को हर इलेक्शन में पता लग जाएगा, इब्तिदा है इश्क है, मैं अब एक सवाल और आपसे पूछूं की बात है, आगे बता रहे हैं झूठे लोन बांट, आगे आगे होता है क्या, दोनों से सवाल आए जवाब मैं दूंगा, बिल्कुल मैं वो जवाब दूंगा, लेकिन एक एक जनरल सिंह जी एक सवाल मेरा भी, आप पंजाब में भी इलेक्शन है, जवाब देने दोगे, क्योंकि जवाब पूछने दीजिए ना, जो पंजाब में इलेक्शन है जनरल सिंह जी, जो पंजाब में इलेक्शन है, नवनीत जी एक सेकंड जी पूछ लो, फिर टाइम दे रहे हैं, एक सेकंड नवनीत जी, फिर कोई बोलेगा नहीं, नहीं नहीं वहाँ कोई नहीं बोलेगा, नवनीत जी मेरा ये कहना है, जनरल सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये झूठ बोल के, ये पब्लिक कह रही, वो बात कर रहा हूँ, झूठ तो आप लोगों ने बोली है कि बिजली माफ, पानी माफ, हमें पानी नहीं मिलता, मैं हिरणकुदना गांव में रहता हूं, हमें पानी नहीं मिलता, आप लोग कह रहे हैं हमने माफ कर दिया, मैं तो कह रहा हूं पानी नहीं दे रहे आप, 30% बजट आपने यूज किया, 70% डॉक्टर नरेश कुमार जी, तीसरी बात नवनीत जी, बिल्कुल भटक रहे, मैं माफी चाहूंगा नवनीत जी, एक बार माफी चाहूंगा, मेरे से बात ही नहीं करना चाह रहे, मेरा ये कहना है कि 70% बजट जब यूज नहीं करोगे आप, पोल्यूशन खत्म करने की बात कर रहे हो आप, पोल्यूशन खत्म नहीं कर रहे आप, आदमियों को खत्म करने की बात कर रहे हो, मैं एक विनती करना चाह रहा हूं कि क्या 15 दिन तक लोग छुट्टी करें, क्या लोग इसलिए
कि आपको 526 करोड़ का जवाब ही ले लूंगा, जवाब ही ले मैं तो बात पूछ लूंगा। 526 करोड़ रुपए का जो पब्लिसिटी बजट जो है वो सिर्फ आपको अपने फोटो गांव गांव तक पहुंचाने, गली गली तक पहुंचाने और अपनी प्रशंसा खुद करनी है। जनता ने आपको दिया यूनिवर्सिटी के चुनाव में तीसरे नंबर पे आए और अब निगम का जो 13 निगम वार्ड का चुनाव, आपको आपको तीन सवालों के चौथे नंबर पे तीन सवालों के जवाब देने हैं, मुखिया साहब के भी, महेश जी के भी और एक सवाल मेरा भी है। पंजाब के चुनाव नजदीक हैं, इस बार ऑड इवन फॉर्मूले में फैसला है कि डीजल जो टैक्सियां हैं जो पंजाब हरियाणा से आती है वो भी नहीं चलेंगी। ऐसे में जो तमाम हमारे पंजाब के व्यूवर भी दर्शक है वो देख रहे हैं, क्या उनके लिए कोई विकल्प नहीं है इस फॉर्मूले में? या जो आदमी पंजाब हरियाणा से दिल्ली आ रहा है इन 15 दिनों में वो परेशान हो, तो केजरीवाल जी ने कहा कि ये लोग बाहर से आगे बस जाते हैं, हमें टेंशन दे देते हैं। जनरल सिंह ये तो केजरीवाल जी ने बहुत पहले कहा, जवाब ले लेते हैं, रिकॉर्ड से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बाहर के लोग आ जाते हैं हम पे बोझ बन जाते हैं। अरे भैया आप दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप नहीं कह सकते कि बाहर का आदमी आके यहाँ क्यों रह रहा। जनरल जी बोलिए, आपको मैंडेट केजरीवाल जी ने कहा, अरे कहा मैं आपको कटिंग दिखा दूंगा, बिल्कुल कटिंग दिखा दूंगा, जवाबदारी से मैं मेरे चैनल के माध्यम से कर रहा हूं। मेरा आपसे एक बात कहनी है, मेरी आपसे एक बात कहनी है, 5 साल केजरीवाल जनता को आप गुमराह ना करें झूठ बोल के, जो लोग आप आए हो झूठे वादे बोल के आप आए हो, जनता चाहती है उनके काम करें। जनरल जी तीनों सवालों के जवाब, नमक मत, तीनों सवालों के जवाब। अब जब सवाल का जवाब देंगे ना तो थोड़ा सी शांति बख्शे। मुझे अच्छा लगता है अभी बहुत टाइम ले रहे हैं नरेश जी, शायद विधानसभा में इनका कोई एक तो होता बोलने के लिए, हम देखते रहते हैं कोई आई। जी तीनों सवालों के जवाब, डॉक्टर नरेश जी पार्टी एक पार्टी है, जवाब तो विधानसभा में ना हो, संसद के अंदर भी है, सड़क के ऊपर भी है। आज हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अजय माकन जी हर मुद्दे पे आपके, अरे साहब जवाब देने के लिए अभी जवाब देने में बहुत कम है डॉक्टर नरेश जी, आप क्यों इतना परेशान हो? परेशान नहीं, मुझे सवाल का जवाब देने से केजरीवाल जी ऐसे मैंने कोई गलत बयानी तो नहीं की, नहीं कर रहे ना आप, कह रहे विधानसभा में है आप, इतना मत, इतना आपका कोई है, आपका भी यही हाल हो जाएगा कोई अगर आप इतने घमंड। जनरल जी तीनों सवालों के जवाब, जवाब दे थोड़ा जल्दी से, जनता देख रही है, जनता आपसे डिलीवरी चाहती है, ठीक है, जनता आपसे इस तरह, ठीक है डॉक्टर नरेश, घमंड की बातें नहीं सुनना चाहती डॉक्टर नरेश, बिल्कुल उससे भी बात, आप तीनों सवाल की बात कर रहे हैं, तीनों सवाल जवाब ही नहीं देना चाहते, बताइए। नहीं नहीं आप तो घमंड की बात कर रहे हैं, आप तो हमारी संख्या की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं 30% बजट आपने यूज किया, 70 नहीं किया आपने, सवालों का जवाब, सवालों का जवाब मैं मांग रहा हूँ कि आपको ओड इवन के चक्कर में जवाब नहीं, आपको 70% का लोगों के काम करने में नहीं किया, क्योंकि आप ये देखो से भटका तो आप हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है, जवाब एक मोदी जी कह रहे हैं, सिर्फ एक मिनट बचा है, जनरल जी जवाब, एक जनरल जी, एक फैलूराम है, डॉक्टरों के बीच मुकाबला है, जवाब लेने दीजिए। जनरल जी अब कृपा करके आप शांत रहिए। नहीं नहीं मैं शांत तो रहूंगा डॉक्टर, डॉक्टर नरेश जी इस तरीके से बयानबाजी गलत ना करे, और छात्र तो बोले छल्ली भी क्या बोले, मतलब ये बताना कि आपका विधानसभा में कोई नहीं है गलत जवाब, तो इसका मतलब जवाब नहीं बचा सबको, अब सुनिए ना फिर जवाब सुनिए। पहली बात मुझे अच्छा लगा जगदीश मुखी जी ने बहुत इंडस्ट्रियल उसके लिए पोल्यूशन के लिए बात की, वो जी आपने भी बहुत अच्छी बात की, मैं कह रहा हूँ उसका स्वागत करते हैं, ये हमारी सरकार जो है आपने जो बात की थी ना, जी जो पॉलिसी 18-20 साल पहले बनाई थी उसका क्या असर हुआ, वो पॉलिसी क्यों बनी थी, उसका बैकग्राउंड क्या था, आप इनके जवाब दे दें, मैं एक मिनट के अंदर अपनी बात उसके अंदर में रखना चाहूंगा। तो पहले जब आप चाहें पहले आप कर दीजिए, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे, ठीक है। देखिए मेरी निवेदन ये है कि दिल्ली के अंदर लार्ज स्केल इंडस्ट्री पहले से अलाउड नहीं थी, ठीक है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री पर भी बैन लग चुका बहुत पहले, दिल्ली में जो थी वो केवल मात्र स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी। उसकी दो तरह की समस्याएं थी, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपने आप में छोटे प्लॉट्स में, और दूसरा ये कि उसमें कुछ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री थी, जो शिफ्ट करने का आपने सवाल किया वो केवल मात्र पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को शिफ्ट करने की बात की गई थी, बाकी के लिए नहीं की गई थी। और तीसरी बात जो थी इसमें, जो रेजिडेंशियल इलाके के अंदर इंडस्ट्री चल रही थी जिसके कारण पोल्यूशन होता था, नॉइज पोल्यूशन होता था, बाकी पोल्यूशन उसको चेक करने के लिए उन्हें शिफ्ट किया था दिल्ली के दूसरे कोनों के अंदर, ठीक है। एक मिनट सर, बेसिक बात रह जाएगी, मैं इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराता हूं, माफी चाहता हूं नरेश जी आपसे,
कि ये जब जग प्रवेश चंद्र जी बहुत अच्छे इंसान थे, मैंने उनके साथ काम किया दो बार मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के अंदर, जब वो सीसी थे उस समय डीडी ने जो प्लान बनाया अपने प्लान डेवलपमेंट के हिसाब से, जितनी उन्होंने लैंड डेवलप करनी है रेजिडेंशियल उसका सर्टेन परसेंटेज इंडस्ट्री के लिए रखा जाता है, वो लेटर लिखा गया सीसी साहब को, उन्होंने इंडस्ट्रियल लेने से इनकार कर दिया। उसी का परिणाम था कि इंडस्ट्री धीरे धीरे घरों के अंदर चलेगी, पॉल्यूशन जनता को जवाब नहीं मिल पाएगा। दिल्ली की जनता को जवाब नहीं मिल पाएगा। सरकार के नुमाइंदे हमारे साथ हैं। डॉक्टर नरेश जी, सरकार के नुमाइंदे हैं, दिल्ली की जनता को जवाब नहीं दे रहे। जो इन्होंने कहा है, केजरीवाल ने कहा है, वो शीला दीक्षित ने कहा था, बिहार वाले हमारे ऊपर। जनरल साहब, जनरल साहब, आपका आपका आखिरी जवाब है, ये शीला दीक्षित, मुकेश साहब, मुकेश साहब, जनरल साहब, माइंडेड चिल्लाने से बात नहीं मारा भी। जवाब दे, आप बात नहीं करने देंगे, ये क्या बात हुई किसी को भी? आप किसी को बात नहीं करने देंगे? डॉक्टर नरेश जी, डॉक्टर नरेश जी, माफी चाहूंगा, माफी के साथ आपसे बात करता हूं, माफी के साथ आपसे बात करता हूं। जनरल जी जवाब दीजिए, आपकी सरकार थी या नहीं? मेरी जनरल जी जवाब दीजिए, मेरे पास 20 सेकंड है, बस 20 सेकंड है मेरे पास, आप जवाब दीजिए। जोड़ के विनती है, उम्र में भी छोटा हूं आप लोगों से, मेरी बात तो सुन लीजिए। पहली बात जो कही जी इन्होंने कहा जी ये नहीं कर पाए, मैं इतना बता देता हूँ कि सकल घरेलू राज्य उत्पाद जो पिछले साल जब एलजी साहब थे तो तकरीबन 4.5 लाख करोड़ था, वो इस बार हमारा 5.5 लाख करोड़ के करीब हो गया। हमारा राजस्व कर, मैं बजट को बता रहा हूँ, 17% बढ़ गया, आबकारी 31% बढ़ गया, स्टैम्प ड्यूटी 24% बढ़ गई। हमने पिछली बार भी जो बिजली पे दिया था इस बार 1400 करोड़ था, 1600 करोड़ कर दिया, उसको बढ़ा दे। पानी की बात है, पानी नहीं है जी, द्वारका को पानी अगर दिया है सोसाइटियों को तो इस आम आदमी सरकार ने दिया। पंजाब में, पंजाब में सरकार ने, पंजाब में वही वही तो तमाम चीजें हैं। चलिए, सरकार में आने से चलिए छह दिन पहले, चलिए हम 6-7 दिन पहले सरकार के आने से पहले, अब आगे आ गई बात पंजाब की जी। पंजाब में भी जो आपका सी वोटर वालों का आया, आपको मालूम है वहाँ पे क्या हालत है। मैं टैक्सी वालों की बात कर रहा हूँ, मैं टैक्सी वाले पे आ गया। नवजोत कौर सिद्धू कहाँ जा रही है, छोड़ो ना उसको, फिर वो हमारे पास आने के लिए तैयार बैठे। तो मैं ये बता रहा था कि जो टैक्सीज है ये समस्या मेरे पास भी आती है। मेरे पास भी फोन आते हैं पंजाब से कि भाई हम जब एंटर करेंगे और वहां पे दिक्कत होगी क्योंकि उसका वही नंबर होगा नहीं होगा। इस बारे में मैं फिर कह रहा हूँ कि इस बात को मैं खुद स्वयं मुख्यमंत्री के साथ उठाऊंगा और ये एक वैलिड पॉइंट है और मैं उम्मीद करता हूं पंजाब हरियाणा के जो लोग हैं उनको, मेरी बात सुनिए ना, मैं जो वैलिड पंजाब की बात कर रहे हैं सर, वो हरियाणा हो गई आएंगे ना जी, हरियाणा इधर से भी आता है जी, सारा आएगा। बहुत कम समय है मेरे को, लगातार कार्यक्रम खत्म करना है। जनरल जी बहुत क्विक, उन सब कुछ सेकंड, मुझे लगता है कि उनके लिए कोई ना कोई रियायत होनी चाहिए और ये ठीक है, उनके लिए कोई रियायत होनी चाहिए। ये आश्वासन आप MH1 न्यूज के मंच पर दे रहे हैं कि आप सीएम साहब से बात करेंगे, कम से कम जो टैक्सी वाले उनको इसमें रियायत मिलनी चाहिए। शुक्रिया नरेश जी, बिल्कुल समय नहीं है। डॉक्टर जनरल सिंह जी, आप कितने दिन हो गए आपको आपने केजरीवाल मुख्यमंत्री जी से मिले? क्योंकि मेरे को ठीक है, डॉक्टर नरेश कुमार जी माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ। सभी खास मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुकेश साहब, मुकेश साहब आपका भी शुक्रिया, जनरल सिंह जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर नरेश जी आपका भी शुक्रिया। ऑड इवन की यहाँ पर बात हो रही है और ऑड इवन की बात के दौरान जिस तरीके से सियासत लगातार हो रही है, लेकिन सवाल यही कि आखिरकार दिल्ली की जनता इस फॉर्मूले को फील कर पाएगी या नहीं। इजाजत दीजिए, नमस्कार।